हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ रिस्पेक्ट पे। आप सभी के बीच हम कंपटीशन का पूरा मटेरियल उपलब्ध करवाएंगे। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का क्लास। रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को अल्फाबेटिकल क्वेश्चन बतलाएंगे। अल्फाबेटिकल क्वेश्चन मीन्स ए टू जेड, ए से जेड तक आप लोगों को जानना है। आप लोग बोल रहे होंगे, समझ सोच रहे होंगे कि ए से जेड ये तो हम लोग नर्सरी में ही पढ़ चुके हैं, बट ए से जेड आप जानते हैं, बट इसमें है क्या? ए से जेड जान लेने के बावजूद भी आप कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि अगर आप ए से जेड तक का न्यूमेरिकल नहीं जानते हो तो कुछ नहीं जानते हो। वही है इसमें, आपको ए से लेके जेड तक का नंबर जानना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे स्पष्ट लिखा हुआ है ए से जेड तक, और सब के ऊपर में सब का नंबर लिखा हुआ है। जैसे ए का आपको जो है एक लिखा हुआ है, दो, बी का दो लिखा हुआ है, सी का तीन लिखा हुआ है, उसी तरह जो है सारे अल्फाबेट का ऊपर में जितना उसका क्रमांक है वो क्रमांक बैठाया गया है। ये जेड तक आप देख सकते हैं, जेड का 26। और इसको आसानी से याद रखने का ट्रिक तो बहुत सारा है, बट इसमें आपको जो याद रखना है सॉफ्ट ट्रिक, जो कि आप कभी भी जो है याद कर सकते हो। जैसे हम बोलते हैं कि ज्योति, ज्योति में आपको लगा देना ई, ई जे ओ टी वाई, तो हम उसी तरह आसानी से इसको याद रख सकते हैं, ई जे ओ टी वाई, ये हो गया आपको ज्योति, यानी ज्योति में ई ज्योति कहेंगे, ई ज्योति। और इसमें देख सकते हैं ई का वैल्यू है 5, जे का 10 और ओ का 15, टी का 20, टी का यहाँ 20, और जो वाई का 25। इसी तरह हम जो है इसको याद रखेंगे, ई ज्योति 5, 10, 15, 20, 25, और इसके आसपास जो भी आने वाला अल्फाबेट होगा उनका भी हमको याद रहेगा आसानी से। जैसे अब ई का है 5, तो आपको बोला जाएगा डी का क्या है, तो एक पीछे आ जाना है 4, और बोला जाएगा ई के बाद आपको एफ का क्या आ रहा है 6, या दो आगे ही पूछेगा, तो इसमें आप आराम से इस तरह से इसमें 2-3 करके बना सकते हो। और इसमें जो आपको क्वेश्चन जो है बहुत सारा आएगा, सबसे पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने देते हैं। एक तरीका होगा पूछने का कि आपको जो है ये अल्फाबेट का वैल्यू पूछेगा, ठीक है। जैसे आपको पूछ देगा क्यू, इनका वैल्यू क्या है, अगर आप जानोगे तो ना बतलाओगे। क्यू तो आप जानते हैं, हाँ क्यू हम पढ़े हैं एबीसीडी में क्यू आता है, बट क्यू का क्रमांक क्या है वो जानना जरूरी है। और हम आपको अभी ट्रिक बताए थे ई ज्योति, ई ज्योति, तो यानी देखिए क्यू किसके नजदीक है, ओ के नजदीक, ओ का वैल्यू मेरा क्या है 15, 15 में अगर हम 2 आगे जाते हैं तो 17, यानी पी क्यू 2 आगे आ रहा है पी क्यू 17, यानी 17 ये मेरा क्यू का वैल्यू हो जाएगा 17। उसी तरह जो आपको अगर पूछ दे कि जो है भी का वैल्यू क्या होता है, भी का वैल्यू, तो हम पढ़े हैं ई जे ओ टी वाई, ई ज्योति, जिसमें कि आपको ई जे ओ टी वाई, तो टी वाई, तो मेरा नजदीक जो है यहां भी किसका नजदीक आ रहा है, टी के नजदीक, टी यू भी, मतलब टी से तो आगे जाना है, तो टी हमको 20 जब याद है तो हम भी का जो निकाल सकते हैं आराम से 22। यही आपको जो न्यूमेरिकल अल्फाबेटिकल क्वेश्चन में जो है नंबर आपको जानना होता है, जो कि आसानी से हम लोग जान रहे हैं नंबर सारा आपको याद करना है। याद बस वही ट्रिक है आपको ई ज्योति, ये आप नोट कर लीजिएगा, ई जे ओ टी वाई, ये आप तो जरूर नोट कर लीजिएगा, इनको आसान होगा आप लोगों को पढ़ने में, याद करने में इनका ट्रिक आसानी से आप याद कर सकते हैं। ये आप क्रमांक लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ए से लेकर जेड तक एक कॉपी पे लिख लेना शुरुआत में, जब आप इनको याद कर लेते हो आपके दिमाग में बैठ जाता है तो उनके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पूछे आपको इनका क्रमांक क्या होता है आप आसानी से इसका क्रमांक बता सकते हैं। अब देखिए आगे क्या, ये अगर हम जान लिए पूरा तो इस पर आपको जो क्वेश्चन हम बना के देते हैं, चलिए इसको हटाते हैं। चलिए इसके आधार पे आपको जो हम क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि हम एक टाइप देते हैं क्वेश्चन का, इस पे बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन बनेगा। पहला टाइप आपका हम क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे आपको ए प्लस जी
इक्वल टू, अगर हम जानेंगे ए का वैल्यू क्या होता है, जी का वैल्यू क्या होता है, तब ना प्लस करके इनका कैलकुलेट करके जो लिखेंगे नंबर कि कितना मेरा ये हुआ, ए प्लस जी बराबर कितना होता है। ठीक, हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे अल्फाबेटिकल में ए का वैल्यू क्या होता है 1, जी का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे हम देखेंगे 7, तब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 7 प्लस 1 8। अगर हम जानेंगे इस ट्रिक को पहले से हम अपना के रखेंगे या ये हमको याद रहेगा तो फिर जो है आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे अगर आपको पूछ दे पी प्लस भी, अरे हम जानेंगे तब ना बनाएंगे इसको। हम आपको ट्रिक के माध्यम से बता चुके हैं ई ज्योति में आपको ई का वैल्यू 5 आ जाता है, उसके बाद जे का वैल्यू 10 आ जाता है, फिर जो है आपको ओ का वैल्यू 5 आता है 15 आता है सॉरी, उनके बाद जो है फिर आपको जो टी का वैल्यू 20 आ जाता है और वाई का वैल्यू 25 आता है। या वो 5-5 करके दे रहे हैं, 5-5 करके चलते रहता आगे क्रम, तो उस हिसाब से आप आसानी से इसको याद कीजिए और टी का ट्रिक के साथ चलते हैं। इनको अभी छोड़ दीजिए, इनको भूल जाइए, ट्रिक के साथ चलते हैं ई ज्योति में टी का वैल्यू क्या आया था मेरा 20, तो इसका हो गया आपको 20 प्लस और भी आया आगे, टी के बाद क्या आता है यू भी, यानी इसमें आपको 2 प्लस हो गया तो 20 प्लस 2 तो 22 और यहाँ इक्वल टू मेरा हो जाएगा टोटल तो 42, ये मेरा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसी तरह जो आप अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, इसमें आपको है आर माइनस टी प्लस जे। ठीक, इसमें आपको मैथ का भी जो है कुछ फॉर्मूला काम करता है, ठीक ना, रीजनिंग जो है मैथ से ही रिलेटेड होता है, रीजनिंग वैसे अलग से नहीं आ जाता, मैथ और रीजनिंग का मिक्स जो है ये आपको है, ठीक ना, इसी पे आपको बनाना है। प्लस माइनस का चिन्ह को देखते हुए सबसे पहले जो हम यहाँ पे प्लस का क्रिया करेंगे, प्लस के स्थान पे जैसे ये आपको हो गया प्लस में रहता है स्वाभाविक है, यहाँ पे जब कोई चिन्ह ना हो तो ये आपको प्लस में होगा, तो आर का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है 18, तो हम आर लिख देंगे 18। ठीक, माइनस टी का वैल्यू मेरे पास 20 है, 20 लिख देंगे, प्लस जे का वैल्यू मेरे पास है 10। अब देखिए नॉर्मल अगर हम जो है ट्रिक नहीं जानते हैं इनका मैथ का, तो बिना ट्रिक का जो आप क्या कीजिएगा, इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा, उनके बाद इसमें माइनस कीजिएगा, आपको माइनस 12 आ जाएगा, जो कि ये आपको रंग है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले प्लस को प्लस वाली की जगह लाना, ये प्लस है और मेरा ये प्लस है, प्लस प्लस को एक करते हैं, ठीक, ये आपको प्लस प्लस कर एक करने के बाद ये आपको 28 हुआ। अब 28 में से 20 को माइनस करना है, ना कि जो है आपको 30 में से 18 को माइनस करना है, इसमें करना क्या आपको 28 में से 20 को माइनस करना है, यानी जे प्लस आर में से टी को माइनस करना है, तो जे प्लस आर में से टी को माइनस करेंगे तो मेरा आपको हो जाएगा यहाँ पे 28 माइनस 20, तो 28 माइनस 20 आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है आर। ठीक, अगर वही इसी में पूछ दिया आपको कि 8 का वैल्यू क्या होता है, 8 तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे, अगर पूछ दे 8 का वैल्यू क्या होता है, हमको ट्रिक याद है, ट्रिक के माध्यम से आसानी से जो है यहाँ पे पहुंच सकते हैं 8 तक। ठीक है, जैसे आप जो है ई ज्योति बतलाए आपको, ई ज्योति बार बार ई ज्योति को रिमाइंड करते रहिए जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए पूरे ट्रिक। ठीक, ई ज्योति बार बार लाना है आपको, तो जे यानी मेरा जो 8 जो है जे हमको याद है 10, तो 10 से 2 नीचे आना है 8, 2 ही कम आ रहा है आपको 8, क्योंकि हम ई से जाते हैं तो 3 आगे जाना पड़ेगा, हम 2 क्यों नहीं पीछे आएंगे, 3 का आगे जाएंगे, तो हम 2 पीछे आ रहे हैं, जे से पीछे 2, तो जे से पीछे 2 आते हैं तो आपको आई एच, ये आपको उल्टा क्रम में भी याद करवाएंगे, वो कल जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है इसको हम अपोजिट भी बतलाएंगे, अपोजिट कैसे बनता है इनका, ठीक ना, वो भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो हम सबसे पहले जो है इनको एक सही तरीका से क्वेश्चन इनका जानते हैं, फिर जो है अपोजिट चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम देख लेते हैं इसका हो गया आर, अब जो हम जे से 2 पीछे आए तो आई एच, आर का वैल्यू मेरा हो गया एच, या तो हम कहें तो यहां एच इक्वल टू 8, या तो कहें तो 8 इक्वल टू एच, दोनों बराबर होगा, 8 कहेंगे तो एच होगा, एच कहेंगे तो 8 होगा, आसान है इनको समझने में। और इसी तरह आप क्वेश्चन जो है बहुत सारा क्वेश्चन आपके सामने हम दे रहे हैं, क्वेश्चन जो आप देखिए और क्वेश्चन को बनाइए।
ये आप इसको हम इरेज कर देते हैं पूरा। स्टॉप। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं पी माइनस क्यू प्लस जे, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक, जैसे अभी हम बताए आपको प्लस माइनस का, उसी तरह ये भी है कि प्लस माइनस को करना है। ठीक, आप इसको जो आसानी से बना सकते हैं, सबसे पहले इनका आप वैल्यू लिख दीजिए सबके ऊपर में। जैसे p है तो नीचे लिख लेते हैं, ऊपर में जगह मेरा कम है तो p का वैल्यू मेरा है 16 माइनस q का वैल्यू मेरा आ जाता है p के बाद। देखिए सबसे पहले ई ज्योति ट्रिक बताया, ई ज्योति O के नजदीक आपको आता है Q, O P Q, P आपको 16 दबा लिया तो Q का होगा 17 प्लस ज्योति E ज्योति जिसमें कि दूसरा आपको J आ रहा है, J का वैल्यू 10 क्योंकि आप बताए हुए हैं 5-5 चलता है E J O T Y, तो यानी 5-5-5 करके सबका चल रहा, तो मेरा J आएगा दूसरा है तो J का हो जाएगा आपको 10। और यहां पे हम ये कर लिए तो कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि इनको जो है पहले मैंने ऐसे करना शुरू कर देते हैं, वो नहीं करना है। सबसे पहले इसका रूल है एक मैथमेटिक्स में कि पहले काल करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़े घटावा। ठीक, पहले हमको जो काल क्रिया होता है उनके बाद जो है डिवाइड का क्रिया होता है, फिर जो मल्टीपल होता है उनके बाद एडिशन होता है, तब लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक ना, इसमें आपको सबसे पहले एडिशन एड करना है। ठीक, ये देखिए प्लस वाला है, यहाँ पे प्लस प्लस वाले को एक जगह हम ले आएंगे। ठीक है, ये प्लस प्लस है तो इनको जो देखिए 16 ये मेरा प्लस में है, जब कोई चीज ना हो तो प्लस यहाँ पे हम 16 प्लस 10 कर लेते हैं माइनस 17। ठीक है, अब जो हम आसानी से इसको बना लेंगे, हो गया मेरा ये बन गया 16, ये आपको जो 26 हो गया, 26 माइनस 17 करना है, 26 माइनस 17 हो जाएगा आपको 9, ये आपको 9 है। कैलकुलेशन आपका जो फास्ट होना चाहिए, अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट नहीं है तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, कैलकुलेशन आपका जो है पूरा फास्ट करना होगा, कन्वर्जन वैसे नहीं होगा। ये आपको सेकंड क्वेश्चन दे रहे हैं यू प्लस सी माइनस जे, आप इनको भी आप सॉल्व कीजिए। U का वैल्यू जानना है हमको, U का वैल्यू आपको जो ज्योति ट्रिक याद ही होगा। ठीक, T के बाद U आता है तो T मेरा 20 है, तो T के बाद U आ रहा है 21, ये मेरा हो जाएगा 21 प्लस C, नॉर्मल है ABC 3 आएगा इसका वैल्यू, और माइनस ज्योति में जो आपको जो J दूसरा आ रहा है, दूसरा आपका वैल्यू है 10, 5-10 करके आपको ट्रिक बताया हुआ है, 5-10-15-20-25, ये आपको भूलना नहीं है, कभी भी हमेशा याद रखना है। तो ये आपको हो रहा है 24 माइनस 10 इक्वल टू 14। ठीक, ये मेरा आंसर आ गया। अब जो है आपको अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें देखिए आपको देते हैं हम अगला क्वेश्चन, तो अच्छे से देखिएगा इसमें, इसमें आपको f मल्टीपल, ये इसको x मत समझिएगा, ये मल्टीपल का चिन्ह है, उनके बाद d प्लस j। ठीक, अब इनको सॉल्व करना है आपको, तो हम ट्रिक बताए हुए हैं आप सभी को कि जो है सबसे पहले आपको जो है काल क्रिया होगा, फिर डिवाइड का क्रिया होगा, मल्टीपल का क्रिया होगा, उनके बाद जो है आपको एडिशन, तब सब सब्ट्रैक्शन में जाना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखिए का नहीं है, आपको जो डिवाइड भी नहीं है, उनके बाद मल्टीपल है, तो पहले हमको मल्टीपल करना पड़ेगा, उनके बाद जो कुछ स्टूडेंट का क्या होगा कि नहीं पहले हम इसको प्लस करेंगे, जो कि आपको जो बिल्कुल ही गलत है, वो 100% गलत उसको करेंगे। ठीक, एडिशन कभी भी नहीं होगा पहले, पहले जो आपका ये आपको मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहाँ एफ का वैल्यू हमको मालूम होना चाहिए, ई के बाद जस्ट आता है एफ, तो ट्रिक याद होगा ई ज्योति, ई का आपको 5 है, एफ हो जाएगा जस्ट एक बार है तो 6 मल्टीपुल डी, ई से एक पहले आ जाना है, 5 में एक कम कर लीजिए 4, उनके बाद प्लस जे याद ही होगा 10। ठीक, आप देखिए यहां
तो 6 × 4 तो 24 प्लस 10 ये आपका जो है 34 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, आप सब वीडियो रोक के जो है इसका सही से देख सकते हैं, क्योंकि जो हम मेरे पास उतना होता नहीं है टाइम कि आपको जो है 1 घंटा 2 घंटा लगातार जो है रोक के दिखाते रहे, या आपको वीडियो को रोक के खुद देखना पड़ेगा, इसको सही से समझना पड़ेगा। एक बार जब आप समझ जाइएगा तो आसानी से इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं के प्लस टी माइनस वाई मल्टीपुल बी, अब इनको सॉल्व करना है। सब कुछ वही है, इससे पहले जो बताया आपको सिर्फ इसमें एक जो है एक्स्ट्रा चिन्ह आ चुका है, ठीक। ये 3 का आपको करना है, तो आपको ट्रिक बताया हुआ है, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़े घटावा का। तो इसमें सबसे पहले आपको जो मल्टीपल का क्रिया आ रहा है, देखिए मल्टीपल, तो हम पहले मल्टीपल कर लेंगे। उनसे पहले आपको जो सारा जो है अल्फाबेट का मान निकालना पड़ेगा, और मान आपको याद नहीं है तो आप नहीं बना सकते हो इनको। तो मान आपको जो निकालना है, सबसे पहले आपको है के, ये जो ट्रिक में आपको आया है जे, जे के बाद जस्ट है के, जे का वैल्यू हमको पता है 10, उनके बाद के आया है, के का वैल्यू आपको 11 हो रहा है, और वही ट्रिक में आपको टी भी है, फिर आगे टी का 20, टी वैसे भी याद कर सकते हैं आपको, टी से 20 होता है, इस तरीका से भी आप याद कर सकते हैं टी का आपको 20। अब जो है आपको यहाँ है सब्ट्रैक्शन और है वाई, वही ट्रिक में आपको आगे वाई भी आ रहा है, टी के बाद वाई आ रहा है, यानी 20 के बाद 25। अब जो है मल्टीपुल आपको है, तो बी का जो आसान है, ए के बाद बी आ रहा है तो 2 होगा इसका, ठीक। अब इनको सॉल्व करना, सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हम जो मल्टीपुल का क्रिया करेंगे, इन दोनों का क्रिया करेंगे, ये आपको जो हमको 50 हो रहा है, 25 × 50, उनके बाद जो है फिर यहाँ पे जो है आपको सॉरी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का जो चिन्ह रहेगा ये आपके पास, और इधर है 20 प्लस 11। अब हमको जो है यहाँ पे करना क्या, सबसे पहले ये दोनों को एड करना है, ठीक, इन दोनों को ऐड करना है, तो ये आपको हो जाएगा 31 − 50, ये मेरा आंसर आ जाएगा आपको माइनस में −19, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन को जो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका सॉल्व किया जाएगा, आसानी से आप लोगों को बतलाया जाएगा, ठीक है। या नहीं तो आप क्वेश्चन डालिएगा कमेंट बॉक्स में, उनको जो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि बतला दिया जाए। तो आप लोग अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को और शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा फिर जो है आपके सामने अच्छे तरीके से क्वेश्चन रख सके और आप लोगों को एक अच्छा स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवा सके। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन आपको जो है आ रहा है m, ये आपको डिवाइड आ गया, टू प्लस 3, ठीक। इसमें आपको करना क्या है, ये देखिए आपको तरीका चेंज हो गया, एक आपको जो अल्फाबेट है बाद में न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल दिए, यानी नंबर डाल दिए इसमें, ठीक है। इसको भी आसानी से बना लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि सबसे पहले जो है अल्फाबेट का नंबर ही निकालना पड़ता है, वैसे जो हम निकाल नहीं सकते कितना भी कुछ करेंगे तो इसका आंसर, ठीक है। तो हम इनका निकालेंगे, एम का मेरे पास आ रहा है 13, याद रखिएगा एम का हमेशा 13 होता है, आगे हम बताएंगे, फिर अपोजिट में भी जो है अपोजिट कल नेक्स्ट वीडियो में जो आपको अपोजिट वाला बताएंगे 2 + 3, ठीक है। जब इनका वैल्यू मेरे पास आ गया तो डिवाइड देना है इसमें, इसका हमको जो है 2 से डिवाइड देना है, 2 से डिवाइड देंगे तो आपको ये हो जाएगा 6.5, ठीक।
और यहाँ पे प्लस है आपको 3, प्लस 3 है तो आप इसको निकाल लीजिए 9.5, ये मेरा हो जाएगा आंसर इनका। इसी तरीका से जो है आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं आसानी से, आप अच्छे से फोकस करके अगर पढ़ाई करते हैं तो फिर हमको लगता नहीं है कि किसी भी रीजनिंग में आपको दिक्कत होगा। यहाँ जो आपको सारा टाइप का रीजनिंग बताया जाएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक आप लोग का सहयोग रहेगा तब तक जो हम कोशिश करेंगे कि जो है आप लोगों को क्लास करवाया जाए। रीजनिंग के साथ साथ आप लोगों को मैथ का भी जो है बहुत जल्द वीडियो अपलोड करवाया जाएगा, जीके जीएस करंट अफेयर्स सारा चीज का वीडियो यहाँ पे मिलेगा आपको। आप लोग सहयोग कीजिएगा तो बहुत जल्द लाइव क्लास भी आप लोगों के सामने होगा, बट आप लोग सहयोग कीजिएगा सही से लाइक कमेंट शेयर करना, आप लोगों को सारे फ्रेंड्स के बीच में फैलाना इस वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सेवन माइनस फाइव मल्टीपुल सिक्स, ठीक। अब इसमें आपको प्लस कर देना है जेड, देखिए सारा आपको नंबर और एक आगे अल्फाबेट, इनको करना क्या है सबसे पहले आपको अल्फाबेट को जो नंबर में बदल देना, बस यही है आपको, सारा अल्फाबेट को हमेशा नंबर में बदलना है, बिना नंबर में बदले हुए आप अल्फाबेट का कभी भी आंसर नहीं निकाल पाओगे, इसीलिए हमको जेड का वैल्यू पता होना चाहिए शुरू का और लास्ट का। वैसे भी जो अल्फाबेट यहाँ पे जो आपको ए से जेड तक में 26 ही आ रहा है, तो ए का जो पता ही सबको पता होगा, ए का फर्स्ट वाले का 1 होगा और लास्ट 26 है, 26 होगा इनका जेड का, तो इसका 26 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 6 मल्टीपुल 5 माइनस 7, तो आपको ट्रिक याद ही होगा, इससे पहले ट्रिक बताए हुए हैं, सबसे पहले हमको जो इसमें मल्टीपल का क्रिया करना है, उनके बाद जो फिर प्लस और माइनस का क्रिया होगा, मल्टीपल का क्रिया कर लेते हैं हम सबसे पहले, यहाँ देखिए मल्टीपल का क्रिया है, ठीक। तो 6 × 5 = 30, ये 30 हो गया, प्लस ये 26 और इधर आपको माइनस 7, यहाँ माइनस 7 बोले तो मतलब ये नहीं है कि माइनस 7 ही माइनस में है, माइनस में आपको 30 है, यहाँ देखिए माइनस में आपको 30 दिख रहा है, ठीक ना। आपको बनाना है अब यहाँ सबसे पहले प्लस वाला ये है 26 और प्लस वाला ये है, ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में है, ठीक। इन दोनों को आपको ऐड करना है, 26 प्लस 7 को हम कर लेंगे 33 आपको आ जाएगा, और माइनस 30 ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 3। आसानी से आप इस टाइप का क्वेश्चन सारा बना लेंगे हम, हमें आशा है कि जो आप लोगों को जो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, फिर मुलाकात होगी, धन्यवाद।